स्टूडेंट किसी भी नंबर सिस्टम में जितने नंबर शामिल होते हैं उसको सी क्या कहते हैं, बेस ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम है कृपया नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू डिजिट जीरो एंड वन, इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस टू। स्टूडेंट देखें अब जिस तरह से ये आपके पास एक नंबर सिस्टम है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें आपके पास टू नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी इसमें हमारे पास सिर्फ दो नंबर शामिल हैं, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नंबर सिस्टम में बेस टू लिखेंगे और बेस टू वाले नंबर सिस्टम को एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसी तरह से अगर आपके पास if a number system consists of 5 digits, अगर आपके पास किसी भी नंबर सिस्टम में 5 डिजिट्स हो 0 1 2 3 4 तो इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब देखिए स्टूडेंट किस तरह से इसमें कितने नंबर है, इसमें 5 नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम विद बेस
बेस 5 क्यों क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 5। अब यहां पर इसको हमने बेस क्यों क्यों कहा था, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 2 थे, और ये जो जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे हमने 0 से स्टार्ट करना है, उसी तरह से आगे लेके चलना है। अब अगर आपके पास किसी नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स हो तो 0 1 2 3 अप टू 7 तक चलेंगे, और उसको हम नंबर सिस्टम में बेस 8 या ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं नंबर सिस्टम में डिफरेंट बेसिस। मुख्तलिफ बेस के साथ नंबर सिस्टम्स को अब हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस 2 को। नंबर सिस्टम में बेस 2 स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट में मैंने इसके साथ लिख दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको ऑलरेडी यहां बता चुका हूं कि बेस 2 वाले नंबर सिस्टम के कौन नाम भी दिया जाता है वो आपके पास क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस तरह से नाम में जाहिर है बेस 2, तो ये नंबर सिस्टम आपके पास कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। If a number system consists of 2 digits, कौन-कौन से दो digits होंगे आपके पास 0 और 1। अगर आपके पास कोई भी number system 2 digits से मिलकर बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? Binary number system कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं number system with base 5। अब जिस तरह से यहाँ बेस 5 बता दिया गया तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं, 5 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इफ अ नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 डिजिट्स, कौन कौन से, 0 1 2 3 और 4, then it is called number system with base 5। student दो number system हो गए, third number system आपके पास जो है वो है octal number system या with base 8 number system। बेस 8 नंबर सिस्टम को एक और नाम भी दिया जाता है, वो नाम क्या है आपके पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम में बेस 8 सेम ही चीज। अब यहां पे देखिए क्योंकि इसकी बेस 8 है तो इसमें मैक्सिमम कितने नंबर आपके पास होंगे, 8 नंबर आपके पास होंगे। और वो 8 डिजिट्स कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, then it is called number
सिस्टम विद बेस 10। स्टूडेंट अभी का जो आपका लास्ट नंबर सिस्टम है वो है नंबर सिस्टम विद बेस 10। बेस 10 को एक और नाम भी देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। स्टूडेंट ये जो आपके पास नंबर सिस्टम है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। सबसे ज्यादा जो नंबर सिस्टम यूज हो रहा होता है वो कौन सा नंबर सिस्टम है? नंबर सिस्टम विद बेस 10। ये आपके पास मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम है। अब इस 10 नंबर सिस्टम क्या होगा? इफ अ नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ consist of 10 digits। अगर आपके पास कोई नंबर सिस्टम 10 डिजिट से मिलकर बना हो, डिजिट्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो उसको क्या कहेंगे? Then it is called decimal number system। डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 कहेंगे। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास इस यूनिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन बेसिस को कन्वर्ट करना डेसिमल से बाकी बेसिस से डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया जाएगा। आज के लिए आपका टॉपिक इनफ है, इसको तैयार करें और आपका जो क्विज होगा वो भी इसी लेक्चर में से दिया जाएगा। थैंक्स।